155 प्रत्याशियों के नाम आज जारी कर सकती है भाजपा। चुनाव समिति ने 5 से 7 मार्च तक फिर बुलाई बैठक, 25 सीटों पर होगी चर्चा। बिहार पहुंचे पीएम मोदी, गया एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने औरंगाबाद में 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने किया एमपी में प्रवेश। कुल 5 दिन में पूर्व सैनिकों, आदिवासी, महिला, किसान, युवाओं से करेंगे संवाद। सुबह की बारिश के बाद शाम को पड़े ओले, अचानक मौसम बदलने से किसानों की बड़ी चिंता। करण जौहर पर लगे नेपोटिज्म के आरोप को दिशा पाटनी ने ठहराया गलत। दिशा बोली, मैं 18 साल की थी जब मुझे करण ने स्पॉट किया, यही मुझे बॉलीवुड में लेकर आए। जानवी कपूर ने किया स्टैंड अप कॉमेडी में डेब्यू। एचपीवी के बारे में लोगों को किया जागरूक, बीमारी से बचने की दी हिदायत। और आज जारी हुए पेट्रोल डीजल के नए दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और डीजल की कीमत 89.62 रुपए प्रति लीटर। बायजूस के 20,000 कर्मचारियों को सैलरी मिलने में हुई देरी, फाउंडर बायजू रविंदर ने निवेशकों को बताया कसूरवार। पूंजी की किल्लत से जूझ रही है कंपनी। रतन टाटा से मिले नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन बोले, सच्चे प्रेरणा स्रोत से मिलने का अवसर पाने के लिए आभारी हूँ। वहीं आयरलैंड की टेस्ट क्रिकेट में हुई पहली जीत, इकलौते टेस्ट में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया, अडायर बने प्लेयर ऑफ द मैच।